Hello students, myself Gouti Falguni. In your last video, we had completed your 10th unit adverbs up to the page number 69, right? In your last video, we had discussed about adverbs in which we had discussed your definition of adverbs, type of adverbs, and your exercise A, exercise B, and now today we are going to start your exercise C. Okay, so let's start. Fill in the blanks with adverb of degree in the following sentence. Okay, तो आपको तो पता ही है, हमने last time discuss कर लिया था adverb of degree, right? तो आपको ये blanks खत्म कर fill करनी है with the degree of following sentence. Okay, तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको पिक करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है. ओके, सो फर्स्ट वन है, आवर हाउस इज डैश फार फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइटली, मतलब कि ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है. स्लाइटली मीन्स, तो वो मतलब कि हमारा घर जो है वो थोड़ा ही दूर है, कहाँ से, हमारी हॉस्पिटल से, सॉरी. फिर है, इट इज़ वेरी इजी टू टाई अ सारी. तो सारी पहनना बहुत इजी है. फिर है, अवर टीचर्स लव अस इमेंशियली. तो हमारी टीचर जो है हमें इमेंशियली लव करते हैं. नेक्स्ट है, इट इज़ टू कोल्ड टू गो एंड प्ले आउटसाइड. तो बहुत ही ठंडी है कि हम बाहर जाके खेलें इसके लिए. तो मतलब कि बाहर नहीं खेल सकते, बहुत ही कोल्ड है जो एटमोसफियर है वो. फिर है, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू पास द एग्ज़ाम. मतलब कि एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है, एब्सोल्युटली. फिर है, दिस स्टोरी इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग टू बी मेड इनटू अ मूवी. ओके, तो मूवी बनाने के लिए ये जो स्टोरी है बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. फिर है, माई मदर वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड फॉर नॉट विनिंग द कुकरी कॉम्पिटिशन. ओके, तो मेरी मॉम जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई है क्योंकि वो क्या नहीं जीती, कुकरी कॉम्पिटिशन था, वो नहीं जीती इसलिए. फिर माई फादर वॉज नियरली इन टीयर्स टू सी माई रिपोर्ट कार्ड. ओके, तो मेरे पापा मेरा रिपोर्ट कार्ड देख के रोने ही वाले थे, रोने के नज़दीक थे मतलब कि. ओके, नाउ वी हैव लर्न दैट सम एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू an adjective. We have to be careful as the adverb that one get, now, have quite different meaning. Okay, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि कोई adverb ऐसे भी होते हैं जिसमें ly लगाओ तो उसका meaning change हो जाता है. कुछ word ऐसे होता है जिसमें ly लगाने से वो एडवर्ब तो बनते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि माय सिस्टर वर्क हार्ड, मतलब कि मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है. डिलीजेंट मतलब कि मेहनतू है. ओके, बट इसमें जो हार्डली यूज़ किया है कि माय सिस्टर हार्डली वर्क दिस डेज, तो इसमें हार्डली में ly लगाया तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया, मतलब कि ऑलमोस्ट नॉट स्केयरली मतलब होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट ना हो, मतलब कि मेरी जो सिस्टर है वो वर्क नहीं कर पाती है, मतलब कि ऑलमोस्ट वर्क नहीं कर पाती है, ऐसा नहीं करना, ऑलमोस्ट ना होना चीज़. हार्डली मतलब कि बहुत कम पॉसिबिलिटी हो तो उसे हम हार्डली बोलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है डी नंबर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ब्लैंक ब्रैकेट्स. ओके, तो आपको ब्रैकेट में से करेक्ट एडवर्ब चूज करके क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना. सो फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ओके, तो ब्रैकेट्स में से करेक्ट एडवर्ब चूज करके आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. तो फर्स्ट है, दिस डे द बस इज कमिंग लेट. ओके, तो लेट मीन्स कि लेट आती है बस अभी. फिर है, अवर नेबर हैज़ मूव्ड इन लेटली. लेटली मतलब कि अभी अभी. तो इसमें देखो ly लगा तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया है कि हमारी नेबर है वो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे. ओके, मूव हुए है मतलब कि. फिर है, पेट्रोल सेल्स डियर दिस डे. तो डियर मीन्स डियर मीन्स होता है कि बहुत ही महंगा, मतलब कि अभी
पेट्रोल महंगा बिकता है और माय ग्रैंडफादर लव्स मी डियरली डियरली हुआ तो मतलब कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे से डियरली प्यार करते हैं मतलब कि, तो उसका भी मीनिंग चेंज हो गया। फिर है दिस रोड लीड्स डायरेक्टली टू दिल्ली, मतलब कि ये रोड कहा जाता है दिल्ली जाता है। और वी वेंट टू द ऑफिस डायरेक्टली, मतलब कि हम डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। फिर है माय मदर कुक्स प्रीटीली वेल, ओके तो मेरी मदर जो है वो प्रीटीली, प्रीटी यानी कि सुंदर होता है, लेकिन प्रीटीली मीन्स कि सुंदर तरीके से, मतलब कि मेरी जो मदर है वो अच्छी तरीके से क्या करती है, कुक करती है, ओके तो मीनिंग चेंज हो जाता है एल वाई लगने से। फिर है द फेरी गॉड मदर ड्रेस्ड सिंड्रेला प्रीटीली, तो जो फेरी गॉड मदर थी उसने सिंड्रेला को प्रीटीली मतलब कि खूबसूरती से तैयार किया। फिर है ऑलवेज बी फेयर इन लव एंड वॉर, तो वॉर और लव में हमेशा क्या होना चाहिए, हमें फेयर रहना चाहिए मतलब कि योग्य रहना चाहिए। तो एंड खर्निश हैज़ रिकवर्ड फेयरली वेल, तो इसमें फेयरली मतलब क्या होता है, जल्दी से मतलब कि पूरी तरह से, तो रिकवर हो गया, अच्छे से रिकवर हो गया, ओके तो इसमें यही बताया कि जब भी एल वाई लगता है एडवर्ब में तो पूरा मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है इफ़ यू आर राइट यू कैन होल्ड योर हेड हाई, ओके तो जब आप मतलब कि आप राइट होते हो तो अपना शरीर ऊंचा करके आप चल सकते हो। एंड अरुण थिंक्स हाई ऑफ हिज टीचर्स, ओके तो अरुण ऊंचे से मतलब कि ऊंचा सोचता है अपने टीचर के बारे में, ओके तो यही है आपकी जो डी नंबर एक्सरसाइज है वो मतलब कि यही बताती है कि जब भी कोई भी एडवर्ब होता है उसमें एल वाई लगता है तो उसका पूरा मीनिंग चेंज होता है। नाउ लेट सी योर ई नंबर एक्सरसाइज। सो इसमें है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन अ ब्रैकेट इन द प्रॉपर प्लेस, ओके तो आपको प्रॉपर प्लेस में से क्या करना है, सेंटेंस यूज़ करके फिर आपको प्रॉपर मतलब कि पूरा सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है सुनील वेंट टू हिज टाउन, डायरेक्ट का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है, तो सुनील वेंट डायरेक्ट टू हिज टाउन, ओके तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। फिर है अनु इज़ वेल टुडे, तो क्वाइट, तो उसका अनु इज़ क्वाइट वेल टुडे मतलब कि अनु आज थोड़ी बहुत अच्छी है। फिर है रवि इन्वाइट्स मी टू टी, और ऑफन है तो रवि ऑफन इन्वाइट्स मी टू टी मतलब कि टी के लिए कई कई बार मुझे रवि इन्वाइट करता है। फिर है वन शुड टेल अ लाई, तो वन शुड नेवर टेल अ लाई, तो किसी को मतलब कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर है गीता मेक्स सिली मिस्टेक्स समटाइम्स, तो समटाइम्स गीता मेक्स सिली मिस्टेक्स। फिर है वी हैव डिनर एट 10, तो जनरली वी हैव डिनर एट 10। फिर है आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स इन विलेज, तो फ्रीक्वेंटली का यूज़ करना है, तो आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली इन विलेज। नेक्स्ट है सी लर्न टू एडजस्ट विथ हर क्लासमेट्स ग्रेजुअली, तो शी लर्न ग्रेजुअली टू एडजस्ट विथ हर क्लासमेट्स। नेक्स्ट है ही फाइट विथ हिज यंगर सिस्टर सेल्डम, सेल्डम मीन्स समटाइम्स, तो ही सेल्डम फाइट विथ हिज यंगर सिस्टर। नेक्स्ट है वन शुड लीव एनी थिंग फॉर चांस, तो वन शुड नेवर लीव एनी थिंग फॉर चांस मतलब किसी को भाग्य पे नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसा कि अभी जो होगा भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ओके okay? और नाउ अभी आपकी जो एफ नंबर एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। अभी आपका इस मतलब कि इस सेमेस्टर का सिलेबस आपका 11th लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका इस साल इस सेमेस्टर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने रिवीजन 1 जो बाकी रखा था वो हम बाद में करेंगे, ओके सो यहाँ तक रखते आपका जो 10th नंबर लेसन है वो, ओके और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये आपकी एफ नंबर एक्सरसाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।